बात बोल रहा है ये मेरे को बोल रहा था नई लड़की करेगी ना शादी तो मैं भगा कर लेकर जाऊंगी ये सारे बात बोल रहा था मेरे को मैं जब बोली मैंने तेरे बिरादरी नहीं हूँ मैं शादी नहीं करूंगी तो ये बोले कि मैं भगा कर तेरे को लड़की को शादी करवाऊंगी भागने से पहले कोई बोल के जाता है अपना माँ बाप को मैं भाग जाऊंगा इसको कुरी गया इसको बोल के गया मेरा मुंडा गया मेरे को बता गया है मैं पागल हूँ मैं लूंगा किसी कुरी के लेके चल जाऊ एक भी रुपए नहीं था एक भी रुपए नहीं था जब जलंधर गया ये सब सामान लेकर कपड़ा कुपड़ा लेकर गया लड़की को अपनी कुछ कहना चाहोगे तो हम तो बोलते हैं आपस आ जाएगा तो हम शादी कर देंगे उसी लड़का से आ तो जाए सही हाँ जी सूरज है कौन साढ़े घर से सूरज को सूरत दिलो कैसे होने फिर सूरत पुलिस पे जो कितने है ऐसी तो सारे पास लब लब के परेशान है गया सड़न मुंडा गया करो हमारा तो मुंडा गया घर से मेरा भी तो मुंडा गया कमान वाला तो मेरे पास घर से छोटे भाई को ट्यूशन छोड़ने गई एक नाबालिग लड़की बीते कुछ दिनों से घर से लापता है पुलिस को दिए बयान में लड़की के पिता रुपेश पासवान ने बताया कि उनकी लड़की जिसकी उम्र महज 16 वर्ष है उसे उनके मोहल्ले के रहने वाले एक लड़का उसे बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि उसकी लड़की को वापस घर लाने में सहयोग किया जाए पुलिस ने लड़की के पिता के आरोप पर आरोपी युवक करण पुत्र उमेश चौपाल निवासी सुंदरनगर पर धारा 363 और धारा 366 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है वहीं दूसरी तरफ लड़का और लड़की के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि बच्चों की गलती की सजा उन्हें समाज से तानों के रूप में मिल रही है इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता आ सके और छोटी उम्र के बच्चे ऐसे कदम उठाने से बच सके क्योंकि आरोपी युवक जिसकी उम्र महज 18 वर्ष बताई जा रही है अभी उसकी उम्र भी विवाह के योग्य नहीं है और लड़की जिसकी उम्र महज 16 वर्ष बताई जा रही है अभी उसकी उम्र भी विवाह के योग्य नहीं है परंतु जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें लड़की सिंदूर किए नजर आ रही है और लड़का उसके साथ जो नजर आ रहा है वो काफी छोटी उम्र का है इस उम्र में बच्चों को समझ काफी कम होती है समाज का भी ये उद्देश्य है कि बच्चों को ऐसी घटनाक्रम से बचने के लिए जरूर जागरूक किया जा सके जीबीसी अपडेट के लिए होशियारपुर से लविशा कल्याण और नवनीत सिंह चीमा की खास रिपोर्ट सारा प्रोसेस बताइए हमें आज 12 दिन हो गया 13 दिन हो गया कितना दिन से ढूंढ रहे पुलिस थाना भी गए कुछ भी नहीं जवाब दे रहा पुलिस वाले यार कब से भागी हुई है कहाँ से भागी हुई है मेरा का तो घर ये तो यहीं से घर से 6 बजे गाड़ी पर था लड़की मेरा छोटी वाली बीमार था उसका पापा गया डॉक्टर पास दवाई लाने के लिए और मैं सोची नीचे जा रही है खेल के आ जाएगी फिर उसके बाद वो आई नहीं मैं खोजने लग गई पूरा ट्यूशन उशन पर गए खोजने के लिए कहीं नहीं पता चला उनको फिर उसके बाद मैं घर आ गए उसके घर पर भी गए लड़का वाला घर पर तो बोलता है कि मेरे को लड़का वाला बोलता है कि मैं लड़की कोई हालत में नहीं दूंगी तेरे को लेकर खोज कर उसका मम्मी बोल रहा था फिर हम सब घर आ गए तो फिर हम सब किसी को नहीं बताए डर से फिर मैं कैसे कोशिश कहे बोले कि जैसे मर्जी होगा लड़की को दे जाओ तो पुलिस थी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई तो सी पुलिस के कहती पुलिस वाले के करवाए से सब करवाए पुलिस वाला सुनता ही नहीं है दस तो चलिए कि 12 दिन हो गए ने लड़की नू गायब होए नू और पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जान देना दे माँ बाप का हाल तो दस दिया भी नाम किसी बेटी का और किन्नी उम्र सी बच्ची दी पायल नाम था उसका 16 साल का और इन्हों के पिता जी भी गल कर देने और जानते पूरा मामला तुम अंकल दस्यो भी कदों तक भजी हुई है और मतलब उन्होंने जी जिस जिस लड़के भजी हुई है मतलब भागी हुई है जिस लड़के के साथ उनके परिवार का क्या रवैया है आपके साथ उसका रवैया यही है कि वो बोलता है ना जो मर्जी कर दो लड़की को हम हवाले नहीं करेंगे है ना जहाँ मर्जी तुम जाओ है ना ऐसे बोल रहा है फिर हम बोले हमारा हमने
पहले 4 दिन गुप्त रखा कि मेरा लड़की दे देगा इज्जत के साथ। हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, मेरा बेटी पहुंचा दो हमारे घर पे, बता दो। उसने बोला आज बताता हूँ कल बताता हूँ। उसके बाद जो है वो है ना बताना ही छोड़ दिया, फ़ोन भी करना छोड़ दिया। जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बोला, उसको माँ को बुलाया, बोला लड़की आज शाम तक चाहिए। फिर उसने शाम में नहीं दिया, उसके बाद जो है सुबह भी उसने नहीं दिया है ना। आज 6 दिन हो गया, रोज़ बोलता है आ जाएगा लड़की आ जाएगा। हम लोग को जो भी परमिशन मिला था तो हमने उसको नए नंबर से कॉल आया था तो हमने उसको है ना नंबर दिए थे। उसके बाद उसने नंबर दिए तो टेस्ट किया तो बोलता है ना वहाँ पे है ना सूरत में ना ठाक ले गया ना। इसको मैं पहले बोले थे साहब, पहले 2-3 बार बोल के आया तुझे अपना कुरी को संभालो, नहीं कुरी को संभालो। आंटी आपका बेटा उनको घर से लेकर गया है? नहीं, हमको नहीं पता। हम तो दिन रात मंडी में काम करते हैं, दिन रात मंडी में काम करते हैं, हमको नहीं मालूम। हमको पता लगा तो उसको बोले चाहे शादी कर दो नहीं तो अपना कुरी के संभालो। हमको नहीं पता है दीदी कहाँ पर है हमारा मुंडा, नहीं पता है हमको। लड़की वाले के माँ बाप बोल रहे हैं आपके साथ रोज बात होती है, आपकी दादी के घर जलंधर थे। घर पर भी चलिए, हमारा मोबाइल भी रख लीजिए, हमको नहीं बात होता है, हमारा मोबाइल भी रख लीजिए। उस दिन भी कुड़ी घर थे, सवेरे जब छठ पूजा हो रहा था ना उस दिन भी थे कुड़ी, सवेरे आए सी थे, छठ पूजा करते थे। इतने आके मेरी पांजी नु कहंदी पता कि मैं जहर खा लेनी हैगी है, कुड़ी कहंदी इथे मुंडे नु मेरे पांजी ने बड़े मुश्किल ना पजाया उनु इथे करो कुड़ी नु अपने घर। आपके लड़के ने जो हां जी नहीं लड़के ने साडी पांजी जेडी घर सी ना आई सीगी ओने बड़ा मुश्किल नु कुड़ी नु पजाया अपने घर। ओदी फिर पता नहीं सामनु की होया इना ने भज गया सामनु, साडे नाल काम करा रहा सी इथे मुंडा।